हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मैगी की बिल्कुल अलग रेसिपी। तो मैगी जब आप इस स्टाइल में बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी को बेहद पसंद आएगी और ये चाउमीन से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। चाउमीन, हक्का नूडल्स, सबका टेस्ट इसके सामने फेल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैगी। मैंने एक पैकेट मैगी ले लिया है, एक छोटी प्याज इस तरीके से मोटी मोटी काट ली है, ये बीन्स ली है मैंने बिल्कुल बारीक काट के, एक छोटी शिमला मिर्च बारीक काट ली है छोटे छोटे पीस में, टमाटर काट लिए और एक हरी मिर्च को बीच में से दो पार्ट कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ी सी चिकनाई चढ़ा ली है। इस चिकनाई को अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी। अब इस प्याज को ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक चलाने के बाद इसमें हमें ये देखिए प्याज मैंने बस इतनी पकाई और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। फिर डाल दी थोड़ी सी हल्दी और ये जाएगी इसमें थोड़ी सी हींग। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई अब इसमें ऐड कर दिए। इसको इस तरीके से चलाते हुए, इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है। इसमें अब हम ऐड करेंगे अपनी बारीक कटी हुई बीन्स और बीन्स को भी इस तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छे से मिक्स कर देना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये देखिए मैंने एक छोटा पैकेट मैगी लिया है और इसमें ये एक बड़ा कप है, तो ये थोड़ा सा खाली रख के मैंने इतना पानी इसमें डाल दिया है। अब इस पानी में जब अच्छे से उबाला जाएगा तो उसमें सबसे लास्ट में हम अपनी मैगी ऐड कर देंगे। मैगी ऐड करने के बाद आपको अच्छे से चलाना है और इसे चलाने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढककर रख देना है। अब इसे हम ढक देंगे। ये देखिए अब 2 मिनट ढकना है बस इसे, उसके बाद हमें निकाल के देखना। देखिए हमारी मैगी बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है और ये अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गई है। अब हमारी मैगी लगभग तैयार है, तो सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला। तो मैगी का मसाला सबसे लास्ट में ऐड करने से ये होता है कि उसमें खुशबू और टेस्ट दुगने हो जाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा मैगी का मसाला सबसे लास्ट में ऐड करना है और आपको नमक और हल्दी इसमें मैगी के मसाले को ध्यान में रखते हुए ही डालनी है, क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक मसाले होते हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अब अच्छे से मिक्स करते हुए ये देखिए हमारी मैगी तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट या सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और खाने के लिए सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारी मैगी बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनी है। थैंक यू सो